हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जावा ट्री पॉइंट। दिस इज आलोक पांडे। आज हम बात करने वाले हैं पीएचपी के सेकंड नहीं थर्ड लेक्चर के बारे में, थर्ड लेक्चर ऑफ पीएचपी ऊप्स के थर्ड लेक्चर में। ठीक है, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है। आज जो हमें पढ़ना है वो है कांस्टेंट। पीएचपी के अंदर कांस्टेंट क्या होता है और कैसे उसके ऊपर हम काम करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टी, सम फंक्शंस एंड क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मतलब कॉमन था, बट उसके बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट वो बेसिक था कि मतलब उतना समझना ही चाहिए, नहीं तो आप आगे चीजें नहीं समझोगे। इसलिए सो गो टू सिंपली फायरफॉक्स पीएचपी डॉक्यूमेंटेशन ओवर हियर। ओके, क्लास कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स होते क्या है? सबसे पहली चीज आपने ऑलरेडी सुना होगा, कॉन्स्टेंट कोई ऐसी चीज जो हर समय फिक्स हो, मतलब जिसके वैल्यूज हमने बना दिया एंड वो चेंज ना होते हो। ऑलरेडी पीएचपी के अंदर भी था फंक्शन कांस्टेंट के लिए, और यहाँ पे भी वो कांस्टेंट हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्लासेस के लिए। ओके, इट इज पॉसिबल टू डिफाइन द कांस्टेंट वैल्यूज ऑन पर क्लास बेसिस, वो भी क्लास के बेस, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर, क्लास रिमेनिंग द सेम एंड अनचेंजेबल। जैसा मैंने बोला कि जो वैल्यू चेंज नहीं किए जाते हैं, चेंज नहीं हो सकते हैं, वो जो एक बार आपने फिक्स कर दिया वो कांस्टेंट बोले जाते हैं। ठीक है, ओके, कांस्टेंट डिफर फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू, ऑब्वियसली बाकी वेरिएबल से डिफरेंट होने वाला है, सिंबल ब्ला 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 एंड दैट यू डोंट यूज। देखिए क्या लिखा है, कांस्टेंट डिफर फ्रॉम द नॉर्मल वेरिएबल इन दैट यू डोंट यूज द डॉलर सिंबल। पहली चीज समझे कि उसके लिए आप डॉलर सिंबल यूज नहीं करते हो। ठीक है, तो कल मैं एक वेरिएबल बना रहा था, स्टार्टिंग में जब मैंने डॉलर सिंबल नहीं यूज किया तो मुझे एरर क्या आ रहा था, कॉन्स्टेंट्स आर नॉट डिफाइंड समथिंग लाइक, कुछ एरर अजीब सा आ रहा था जो मैंने ध्यान नहीं दिया। सो डॉलर सिंबल आपको नहीं यूज करना रहता है टू डिक्लेयर और यूज देम। द डिफॉल्ट विजिबिलिटी ऑफ अ क्लास कॉन्स्टेंट इज पब्लिक। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, वो पब्लिक ही रहता है, अगर आप पास करो या ना करो, बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक रहने वाला है। किसकी बात करें हम लोग, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है, सिंपली एक वेरिएबल जिसके वैल्यूज फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं किया जा सकते आगे जाके। गॉट दैट? Good. The value must contain constant. The value must be constant expression, not for example variable property or a function call blah blah blah. It's all possible to interface blah blah blah. Look and बाद में देखेंगे. Possible to represent the class using the variable. Okay, leave it. So, what is the constant actually over here? Look. हमने लिखा क्या है यहाँ पे? Simple class जो हमने already आज तक बनाते हैं class उसके अंदर एक कीवर्ड है कॉन्स्ट नाम का, जो आपको प्रीफिक्स ऐसा देना है, प्रीफिक्स नहीं बोल सकते, ऐसा कीवर्ड देना है, देन उसका वेरिएबल करें, देन उसके अंदर का वैल्यू। ठीक है, हमने क्या पास किया यहाँ पे, फंक्शन। सो कॉन्स्टेंट नाम का फंक्शन है जो प्रिंट क्या कर रहा है, इको सेल्फ को प्रिसिजन ऑपरेटर जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, एंड देन कॉन्स्टेंट यानी वेरिएबल का नेम विदाउट एनी डॉलर। हमने लास्ट टाइम जब हम यूज करते थे डॉलर दिस यूज करते थे, याद है, तो एक वेरिएबल होता जो ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट होता था सिंपली, जो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता था। बट यहाँ पे हम लोग क्या पास, करंट क्लास के अंदर कांस्टेंट नाम का एक वेरिएबल है, उसे हम प्रिंट करवा रहे हैं जो कि जिसके वैल्यू चेंज नहीं हो सकते सिंपली। ठीक है, तो कांस्टेंट के साथ जब आप काम करते हो आपको यूज करना रहता है सेल्फ। गॉट दैट? इवन आप इसे जरूरी नहीं है कि आप अगर इसे बाहर यूज करना हुआ तो, अभी बाय डिफॉल्ट इसका स्कोप क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक ही रहने वाला है, इस पे लिखा नहीं गया है बट बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहने वाला है। सो इको माय क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड कांस्टेंट, ये आप डबल कोलन बोल लो या फिर स्कोप रेजोल्यूशन बोल लो, जो बोलना है बोल सकते हो, माय क्लास कांस्टेंट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सेम माय क्लास को यूज करके उसे प्रिंट कर रहा है। जैसे मैंने बोला था क्लास के नेम से भी उसे रिफर किया जा सकता है, जैसे हम लोग कल वेरिएबल्स को प्रिंट, उसके फंक्शंस को एंड वेरिएबल्स को प्रिंट करा रहे थे। ठीक है, सो कुछ उसी तरह से कल सिंस प्रीवियस वीडियो में। अगेन, जब मुझे किसी क्लास को क्लास के थ्रू प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो मैं इस क्लास के नाम को चाहो तो किसी और वेरिएबल के अंदर रख सकता हूं। अभी हमने क्या लिखा, रख ली माय क्लास लिखा, राइट? माय क्लास के हमारे क्लास का नाम है, राइट? देन हमने ये ऑपरेटर पास किया स्कोप का, अंदर मैंने पास किया कॉन्स्टेंट, तो हमारा प्रिंट हो गया, नो इश्यू। लेकिन हम चाहे तो उस माय क्लास को एक किसी और वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, इस वेरिएबल, इस नेम को हमने एक वेरिएबल के अंदर रखा जिसका नाम रखा है क्लास नेम, एंड क्लास नेम स्कोप कॉन्स्टेंट एज पर पीएचपी 5.3.0। ठीक है, इस तरह से भी रखा जा सकता है और पीएचपी 5.3.0 के आगे से। गॉट दैट? सो क्लास न्यू माय क्लास, हम लोग अब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, डॉलर क्लास लिया, अब हम ले रहे हैं न्यू माय क्लास यानी उसका ऑब्जेक्ट बनाया, एंड डॉलर क्लास हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सो कॉन्स्टेंट नाम का फंक्शन, तो वो भी वही करने वाला है, वो भी प्रिंट ही करने वाला है, कुछ अलग तो नहीं करने वाला। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बना के कर रहे हैं, ये विदाउट ऑब्जेक्ट के थे, इसके ऊपर वाला इको कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये इको, हाँ। ये वाला ना, ये क्लास का नेम का मतलब हो गया कि ये
क्लास का नेम. ये माई क्लास को उसने कहाँ पे रख दिया है, इस क्लास नेम वेरिएबल के अंदर. ठीक है, तो हम पहले क्या लिखे थे, माई क्लास, यानी हमारा ये वाला क्लास जो ऊपर का था उसके अंदर कॉन्स्टेंट नाम का वेरिएबल था, उसे प्रिंट किया. ठीक है, अब हम लोग वो जो माई क्लास यहाँ पे लिख रहे थे उसकी जगह हम लोग वेरिएबल लिखेंगे, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर ये माई क्लास ही स्टोर रहेगा. अच्छा. तो हम लोग वेरिएबल के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हैं इस तरह से भी. ठीक है, एंड अब ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करो. पहले तो हमने डायरेक्ट क्लास के नाम से प्रिंट करवाया, एक बार डायरेक्ट क्लास का नाम लिया, एक बार क्लास को वेरिएबल के अंदर रख के फिर प्रिंट करवाया. अब हम लोग ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट करवा रहे हैं. जब ऑब्जेक्ट बनाने गए तो क्लास नॉर्मल वेरिएबल का नेम है, कुछ और नहीं, कुछ भी पास कर सकते थे. न्यू माय क्लास, क्लास एरो, सो कॉन्स्टेंट हमारा फंक्शन था इसके अंदर, ये वाला हम लोग कॉल कर रहे थे. गॉट दैट, एंड बस प्रिंट कर दिया. एंड नाउ अगेन डॉलर क्लास स्कोप रिजोल्यूशन ऑब्जेक्ट ऑपरेटर एंड देन कॉन्स्टेंट. हम लोग इसी ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, एंड हम डायरेक्ट पास कर रहे हैं कॉन्स्टेंट, तो भी हमारा प्रिंट होने वाला है. सो देर आर मल्टीपल वेज टू प्रिंट अ सिंगल वेरिएबल, सिंगल कॉन्स्टेंट. ओके, सो चलिए इसे बनाते हैं सिंपली, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा. लेट्स क्रिएट अ सिंपल, लेट्स गो टू सैम्पल प्रोजेक्ट और समथिंग और समवेयर एल्स. लेट्स सैम्पल 1, 2, 3 सोर्स पैकेज, इसमें लॉट्स ऑफ हैं तो इसे रहने देते हैं. प्रोजेक्ट 4 देख लेते हैं. हाँ, इसके अंदर कुछ फाइल्स है. सो नेक्स्ट पेज नहीं, एक 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 फाइल बनाते हैं जिसका नाम रहेगा, पीएचपी फाइल लेते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट. ओके, यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं सिंपली क्या, क्लासेस. अब PHP ओपनिंग क्लोजिंग आपको चाहिए तो लो, या फिर डायरेक्टली ले सकते हो, डजंट मैटर. मैं यहाँ पे लेता हूँ कीवर्ड क्लास, क्लास का नाम देते हैं हम लोग, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं हम लोग इसे. क्लास, क्लास का नाम देते हैं इस बार हम लोग माई क्लास, या फिर जो भी देना है, जरूरी नहीं है कि माई क्लास ही दो, आप कुछ भी दे सकते हो. माई क्लास कर्ली ब्रेस के अंदर. अब यहाँ पे हम लोग एक बनाने वाले हैं कॉन्स्टेंट, जिसके लिए हमें प्रीफिक्स पास करना है कॉन्स, एंड हम अब पास करने वाले हैं उसका नाम. मैंने दे दिया लेट्स से फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड या नाम का, फिक्स्ड नाम का इक्वल टू. अब हम यहाँ पे वैल्यूज पास करने वाले हैं, सेमी कॉलन, जावा थ्री पॉइंट. ओके, जावा थ्री पॉइंट मैंने पास कर दिया. अब अगर मैं ये कॉन्स्ट निकाल देता हूँ, लेट से कॉन्स्ट निकाल दिया, तो ऑब्वियसली मुझे एरर आ रहा है. लेट से मैंने डॉलर पास कर दिया यहाँ पे, अब ये हमारा अभी भी एरर दे रहा है, क्योंकि अभी हम लोग इसे नॉर्मल वेरिएबल बना रहे हैं. ठीक है, अभी हम इसे लेट से निकालते हैं और वापस कॉन्स्ट डालते हैं तो हमारा एरर चला जाता है, क्योंकि कॉन्स्ट वेरिएबल के लिए आपको डॉलर वगैरह कुछ पास करने की जरूरत नहीं है. वैसे भी हम कीवर्ड पास करते तो उसको समझ में आता है कि इसके अंदर जो कुछ वैल्यू रखी जाएगी वो फिक्स रहने वाली है. ठीक है, सो अब क्लास है तो क्लास के अंदर डायरेक्टली कोई तो प्रिंट करा नहीं सकते, उसे मुझे कोई ना कोई तो फंक्शन चाहिए, क्योंकि क्लास के अंदर डायरेक्टली इको एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते. सो हम लोग यहाँ पे लेंगे एक फंक्शन, फंक्शन फंक्शन का नाम देते हैं हम लोग डिस्प्ले, एंड कर्ली ब्रेस के अंदर हम इसे प्रिंट कराते हैं सिंपली. सो इको फंक्शन, और यहां पे हम लोग देते हैं सेल्फ स्कोप रजिस्टर ऑपरेटर. देखो ऑटोमेटिक आ गया. अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, मैं कंट्रोल स्पेस करता हूं और यहाँ पे सजेशंस दे नहीं रहा एक्चुअली कंट्रोल से. ओके, सेल्फ क्लास माय क्लास, देखो किसको इंडिकेट कर रहा है, सेल्फ क्लास माय क्लास को इंडिकेट करने वाला है माय क्लास. ओके, क्लास स्लैश माय क्लास. ओके, सो व्हाट वी कैन डू सिंपली, वी कैन पुट द वेरिएबल नेम दैट इज फिक्स्ड, लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, तो सिंपली अगर मुझे इसे एग्जीक्यूट कराना है, प्रिंट कराना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली इको, राइट, डायरेक्टली इको लिखेंगे तो चलेगा फिक्स्ड. लेट्स से प्रिंट करते हैं इको, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं फिक्स्ड. ऑब्वियसली नहीं चल रहा है, तो मतलब नहीं चलने वाला है, मुझे एरर देने वाला है डायरेक्टली. मैं जैसे अगर प्रिंट करता हूँ तो क्या देने वाला है एरर, रन टाइम एरर आने वाला है. आई होप मेरा जैम सर्वर ऑन हो, आई एम नॉट श्योर, यप इट इज ऑन. Okay, look. Use of undefined constant fixed. So, what we can say simply, यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कर सकते हैं, माई क्लास, राइट, माई क्लास एंड देन फिक्स्ड. नाउ जस्ट चेक इट आउट, फर्स्ट रिफ्रेश एंड वी गॉट जावा 3 पॉइंट. ओके.
तो क्लास के नेम से हम लोगों ने, अब इसी माई क्लास को हम लोग किसी और वेरिएबल के अंदर भी रख सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे डॉलर वेयर नाम का रख लिया मैंने इक्वल टू, और यहाँ पे डाल दिया माई क्लास। इस तरह से नहीं ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट था ना, पहले हम लोग क्लास का चीज ऐसे ही नहीं यूज कर सकते थे, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था ना। हाँ, पहली चीज तो एक कांस्टेंट है, और वेरिएबल को भी हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके हम कॉल कर सकते थे। लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने देखा था उस टाइम पे, देखो हम लोग फंक्शन को विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर रहे थे और ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो स्कोप का यूज करो या फिर ऑब्जेक्ट बना के यूज करो। ठीक है, सो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट स्कोप का यूज कर सकते हैं। सो माई क्लास हमने पास किया यहाँ पे, ठीक है। माई क्लास ये एक क्या है, डेटा है, और ये डेटा क्या है हमारा, सेम जो ये इसका नाम है वही है। तो हमने इसे उठा के रख दिया एक वेरिएबल के अंदर, राइट। अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से डॉलर माई क्लास सॉरी वायर, यानी यहाँ पे स्कोप, और यहाँ पे लिखते हम लोग फिक्स्ड एफ आई एक्स ई डी दिस वन जस्ट कॉपीज कंट्रोल सी कंट्रोल वी सेमीकोलन, और इसे हम डाल देते हैं एक इको में, इको सी एच ओ इको, एंड इवन आप कुछ कहते हैं यहाँ पे पास कर दो स्लैश एंड ऑन ऑल दैट। लेट्स से यहाँ पे पास कर देते हैं हम लोग डॉट डबल कोट्स के अंदर स्लैश एंड या स्लैश एंड पास कर देते हैं, ठीक है, एंड जस्ट रन करते हैं इसे। अगेन वी गॉट एक्सपेक्टेड आंसर, बट हमारा स्लैश एंड काम नहीं किया, वहाँ पे हम ब्रेक डाल देते हैं बेटर। लुक 2008 रिपोर्ट आ गया। हम वेरिएबल के थ्रू रख के भी कॉल कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर रख के या फिर डायरेक्टली क्लास का नाम पास। बात तो एक ही हुआ क्योंकि यहाँ पे डॉलर वेयर की जगह क्या प्रिंट हो रहा है, माई क्लास ही प्रिंट हो रहा है क्योंकि उसके अंदर वैल्यू तो वही है, ठीक है। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। तीसरा तरीका जो हम बोल रहे थे वो है ऑब्जेक्ट बना के, तो ऑब्जेक्ट हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं सिंपली, जैसे डॉलर कोई ऑब्जेक्ट का नेम ले लिया मैंने ओबीजे इक्वल टू न्यू, एंड ऑब्वियसली हमारे माई क्लास का नाम जो कुछ भी है, एंड यहाँ पे ये निकालो सेमी कॉलन, एंड अब हम यहाँ पे डॉलर ओबीजे हैरो, एंड हमारा हम दो चीज कॉल कर सकते हैं, तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर सकते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी प्रिंट किया गया है। सो जस्ट यहाँ पे जो हमने फिक्स पास किया है डॉट लगा के डबल कोट्स अगेन बी आर पास कर देते हैं एंड जस्ट रिफ्रेश इट, एंड अगेन वी गॉट डॉट रिपॉइंट थर्ड, ठीक है, क्योंकि अब हम फंक्शन उसके कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर वो प्रिंट किया गया है वही चीज। तो बात तो एक ही हुई, चाहे आप इस तरह से करो। फोर्थ मतलब मैं उसी ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा डॉलर ऑब्जेक्ट ओबीजे, एंड अब मैं स्कोप का यूज करूंगा, एंड वापस हम लोग पास करेंगे सेम चीज हमारा कॉन्स्टेंट जो कि है कंट्रोल वी फिक्स्ड सेमीकोलन, एंड ऑब्वियसली हम इसे पुट कर सकते हैं किसके अंदर इको, दैट्स ऑल, एंड अगेन हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं डबल कोट्स के अंदर बी आर एंड जस्ट से डॉट, ठीक है, जस्ट रिफ्रेश करिए। सो अगेन वी गॉट फोर्थ आवर ट्री पॉइंट। सो इस तरह से हम चीजों को प्रिंट करा सकते हैं, इतने तरीके हैं स्कोप का यूज करके या फिर आप ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हो। गॉट दैट, आप ये जो फंक्शन हम लोगों ने लिखा है डिस्प्ले नाम को उसे ऐसे भी कॉल किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्स्टेंट को कॉल किया जो कि है फिक्स्ड, ठीक है, अब उसके जगह हम लोग डायरेक्ट डिस्प्ले को ही पास कर सकते हैं, राइट। जैसे डॉलर ओबीजे एंड स्कोप एंड डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर वही चीज प्रिंट की गई है ना, तो वापस हमें हाँ मैं इसे रन करूंगा तो मुझे सेम एक और जावा ट्री पॉइंट बढ़ जाएगा जो कि यहाँ पे, जो कि मैंने ब्रेक नहीं डाला इसकी साइड में आ गया। सो यू कैन पुट बी आर ओवर हियर डॉट डबल कोट्स के अंदर एंड जस्ट बी आर सेव टैब रिफ्रेश समथिंग लाइक दिस। सो इस तरह से आप जावा ट्री पॉइंट को कॉल कर पाए। सो मल्टीपल वे हैं किसी एक चीज को यूज करने का, सो वट एवर यू वांट, सबका अपना अपना अलग अलग बेनिफिट होता है। तो सो हम अभी तक ये सारे तरीके हैं कॉन्स्टेंट को यूज करने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो क्योंकि नॉर्मल पीच भी तो सबको पता है, नो इशू, इसे कट कर देते हैं, इवन इसको भी कट कर देते हैं, एंड अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टैटिक डेटा एग्जांपल, अब देखिए हम लोग क्या पास कर, एज पर पीएचपी 5.3.0, ये चीज समझना जरूरी है और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है एज पर स्टार्टिंग के लिए, ठीक है।
स्टैटिक डेटा एग्जांपल। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ पे देखो बनाया क्या है, कॉन्स्ट बार नाम का एक वेरिएबल बनाया, क्या बना है बार नाम का वेरिएबल। अब इस कॉन्स्टेंट के अंदर मैं कुछ ऐसे डेटा रखने जा रहा हूँ जो फिक्स्ड है, ना चेंज होने वाले हैं और स्टैटिक है, डायनेमिकली चेंज ऑब्वियसली जब फिक्स्ड है तो डायनेमिकली चेंज होने वाला ही नहीं है, राइट। सो हम लोग इसके अंदर लिख क्या रहे हैं, ये जो EOT लिखा हुआ है, ये EOT और ये जो ट्रिपल हमारा लेस देन का सिंबल पास किया गया है, यहां से आप देखो इसके बाद हम जो कुछ भी लिखने वाले हैं, जैसे अभी यहाँ पे लिखा बार और EOT को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आप जितनी चीजें लिख सकते हो, नंबर ऑफ लाइंस के कोड लिखते जाओ, कोड इन द सेंस चाहे आप वेरिएबल प्रिंट कराओ चाहे आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते जाओ, वो सबको ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड कर लेने वाला है एंड ये इसके अंदर। बट इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अभी मैंने यहाँ पे फिर से देखिए एक दूसरा बनाया कॉन्स्ट बैज नाम का, और उसके अंदर फिर से EOT स्टार्ट इधर लिखा है बैज, मतलब एक में बार लिखा गया है और एक में बैज लिखा गया है, दो कॉन्स्ट हैं, दोनों के अंदर अलग अलग वैल्यू है, एक बार एंड एक बैज, ठीक है। ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, बस जितना बोल रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में सुनते जाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बार एंड बैज दो, इतना समझ लो दो कॉन्स्टेंट वेरिएबल, एक बार एंड एक बैज जिसके अंदर वैल्यूज फिक्स्ड है, बैज एंड बार, ठीक है। ओके, अभी इसे छोड़ते हैं, छोड़ते हैं इन द सेंस अभी मैं इसे करके दिखाने वाला, लेकिन मैं इसकी मेन चीज को समझाने वाला हूँ कि EOT है क्या, इसका मतलब क्या होता है एंड ये इस तरह से क्यों यूज किया जा रहा है। जल्दी ये चीजें हम स्ट्रिंग के थ्रू यानी हमारे नॉर्मल वेरिएबल के अंदर भी प्रिंट करके रख सकते थे, उसके अंदर भी बैज एंड वेयर रख सकते थे, फिर यहाँ पे क्यों, राइट। ओके, सो ये जो हियरडॉक एंड मतलब सिंपली ये जो मैं अभी दिखा रहा था, इसका हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं, तब आपको शायद डिफरेंस एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। मैं इसे सही से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी लेक्चर में, डोंट वरी। सो पहले तो मैं पहले का कोड सब निकाल देता हूँ, इतना तो रखना ही पड़ेगा एक्चुअली, एटलीस्ट PHP। ओके, अब हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम जो देना है दे दीजिए, मैं देता हूँ इसको सैम्पल। ओके, एंड जस्ट से कर्ल ब्रेस। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, अभी तो हमने कांस्टेंट बनाया, कांस्टेंट में वैल्यूज रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डबल कोट्स के अंदर वैल्यूज जो पास करना है पास कर दिया, राइट। इसी तरह से कांस्टेंट के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए, वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, दैट्स कॉल्ड हियरडॉक और न्यूडॉक का यूज कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड हियरडॉक एंड न्यूडॉक। ये ऐड किया 5.3.0 के अंदर कि आप कांस्टेंट के अंदर इनिशियलाइज करने के लिए हियरडॉक और न्यूडॉक का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम बोलते हैं हियरडॉक और न्यूडॉक, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, एक्चुअली हम लोगों ने बार नाम का जो वेरिएबल लिया हुआ है उसके अंदर वैल्यू असाइन क्या कर रहे हैं हम लोग, ये इस EOT के स्टार्टिंग से लेके EOT के एंडिंग तक अब जो चाहे टेक्स्ट बस ऐसे पास करते जाओ, एंटर करते जाओ, पास करते जाओ, एंटर करते जाओ, जितना एक फॉर्मेटेड वे में आप रख सकते हो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं, बस आप जो चीज वेरिएबल के अंदर रख के पास कर सकते, मतलब किसी चीज को डायरेक्टली पास कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप इसे फॉर्मेटेड वे में भी लिख सकते हो, बस इसका कुछ मैं बड़ा बेनिफिट तो नहीं बताऊंगा। वेरिएबल का ये बोल सकते हो सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखने की जगह आप इस तरह से वैल्यू रखा जा सकता है, हियरडॉक एंड न्यूडॉक का यूज करके भी वैल्यू रखा जा सकता है, ठीक है। तो चले इसे हम यूज करते हैं तो शायद थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो बार अनलिमिटेड कितने भी एंटर करते जाओ रख सकते हो। जनरली अगर मैं इको किसी वेरिएबल के अंदर जैसे मैं रखता हूँ लेट्स से फॉर्मलिक लिया डॉलर ए इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जस्ट सेमीकोलन, मैंने लिखा समथिंग एंटर। अब देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, कॉन्केटनेशन डबल कोट्स ये ऐड हो गया, वहां पे ये सब करने की जरूरत नहीं है, उस ऑटोमेटिक अभी तो हम लोग यहाँ नेटबीन्स में करें तो ऑटोमेटिक ये डॉट डबल कोट्स आ गया, लेकिन ये आप किसी दूसरे एडिटर के अंदर करोगे जो IDE नहीं होगा तो वहाँ पे आपको मैन्युअली डॉट डबल कोट्स करके लिखना पड़ेगा। लेट्स से आप सर्वर पे एडिट कर रहे हो तो वहाँ पे IDE नहीं दिए जाते, वहाँ पे डायरेक्टली फाइल दिया जाता है नॉर्मल फाइल, तो उसके अंदर आप तो फिर आप डॉट डबल कोट्स करके लिखोगे या फिर वो अनफॉर्मेटेड रहेगा, एक ही लाइन के अंदर लिखनी पड़ेगी, राइट। लेट्स से आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है तो आप उस तरह से करने से बेटर है कि आप ये यूज कर सकते हो, हियरडॉक और न्यूडॉक का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो कंट्रोल जेड करता हूं मैं फिलहाल, तो ये एक तो डिसएडवांटेज था कि मैं डायरेक्टली वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखने जाता हूं, बड़े वैल्यूज रखने जाता हूं तो मुझे इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, कॉन्केटनेशन का फॉर्मेटिंग करने का प्रॉब्लम आ जाएगा जो समझने में प्रॉब्लम देती है, तो उससे अच्छा है हम ये यूज कर सकते हैं फिलहाल। जैसा हम कॉन्स्ट पढ़ रहे तो कॉन्स्ट के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम हियरडॉक न्यूडॉक का यूज कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं इक्वल टू, पहले तो हम वेरिएबल का नाम देते हैं, लेट्स से मैंने दिया सैम नाम का वेरिएबल दिया
और इस सैम के बारे में सारी चीज मुझे लिखनी है, उसका एवरीथिंग, बर्थडे, जन्मदिन, उसका पैरा, बैकग्राउंड एंड ऑल दैट सब कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर मैंने पास कर दिया, लेट्स से ईओटी जैसा कि वहां पे लिखा गया है, पहले तो मैं उसके साथ ही दिखाने वाला हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ लॉट्स ऑफ स्टफ, लेट्स से लॉट्स ऑफ स्टफ। देखिए लास्ट में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ईओटी विद सेमी कॉलन, लेकिन देखो ये क्लोज नहीं हुआ। अब मैं बहुत आहा, अब देखो क्लोज हो गया, यही तो मुझे बताना है। देखो बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है इसका। पहली चीज कि मैंने इसे एंटर करके लिखा, सब फॉर्मेटेड वे में है, जहां पर एंटर किया वहीं पर लाइन बाय लाइन सब लिखते चले गए, ठीक है, मुझे डबल कोट्स एंड सिंगल डॉट का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सेकेंड चीज, इसके कुछ रूल हैं यूज करने के लिए। आप जब इसे ओपन करते हो, ओपन करने के बाद जब इसे क्लोज करने जाओगे, तो इतना ध्यान रखना है इसका क्लोजिंग हर समय न्यू लाइन में होनी चाहिए, जैसे कि अभी है। दूसरी चीज, विदाउट एनी स्पेस होना चाहिए, इंडेंटिंग जीरो होनी चाहिए, मतलब यहां से आप इतना भी नहीं कर सकते, एक स्पेस भी नहीं पास कर सकते, ये इसका रूल है। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो एरर आने वाला, जैसे कभी आप दिखाई दे रहे उसको समझ में आएगा कि जो ईओटी आपने ओपन किया है जो, और उसे आपने क्लोज ही नहीं किया हुआ है, उसको मिल ही नहीं आ रहा है, उसका क्लोजिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको पास करना इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना, इसका रूल है। गदर अगर लेट से मैंने इसको यहीं पे क्लोज करना चाहता हूँ, जनरली मैं क्लोज कर सकता हूँ किसी फंक्शन को, कुछ भी हो, एक लाइन में लिख के क्लोज कर सकते हैं, इसे एक लाइन में लिख के क्लोज नहीं किया जा सकता, तो उसको समझ में आया कोई नॉर्मल टेक्स्ट ही है। अब इसके अंदर सेमी कॉलन डॉट जो भी कुछ पास करना है आपने पास कर दिया, लेट से मैं लिख दिया यहाँ पे, अभी देखो मैंने न्यू लाइन में लिया कि फिर भी नहीं क्लोज हो रहा है। इसे आपको इंडेंट जो स्पेस होता है ना, यहाँ स्टार्टिंग से लेके ये वाला स्पेस, इसे बोलते हैं इंडेंटिंग, आपने पास की हुई है, इंडेंटिंग भी आपको निकालनी पड़ेगी, जीरो इंडेंटिंग रखनी पड़ेगी, गॉट दैट, तब जाके वो प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा और प्रॉपर उसको समझ में आएगा हाँ ये एक हेयर डॉक है, गॉट दैट। सो अभी मैंने यहाँ पे लिखा डॉट, और एक वेरिएबल बनाता हूं मैं यहाँ पे सिंपली, पब्लिक पब्लिक सैम इक्वल टू, सैम ऑलरेडी है तो मैं सैम टू डालता हूँ, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर वैल्यू डाल दिया मैंने, लेट से मैंने लिख दिया आलोक, राइट, और यहाँ पे ऑब्वियसली डॉलर, ओके लाइट गई, तो मैंने डाल दिया आलोक। अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ, लेट से डॉट ऑपरेटर लिखता हूँ और मैं पास करता हूँ, लेट से क्या दिखाना था मुझे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, अगर किसी वेरिएबल को अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है तो मैं डॉलर लगा के इसे प्रिंट कर सकता हूँ सिंपली, राइट, डॉलर लगा के मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, राइट, डॉलर आगे लगाते हैं ना, हाँ तो वेरिएबल की बात करें तो कांस्टेंट, ये फिक्स्ड वैल्यू है ना मेरा, फिक्स मतलब मैंने पहले डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है, लेट से ए होगा तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, उसे एज ए वेरिएबल कंसीडर करेगा, तो वो चीजें आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी प्रिंट किया जा सकता है जो वहां पे है। फिलहाल जितना भी मैंने किया पहले इतने को प्रिंट करते हैं तो आपको इतने से क्लियर हो जाएगा, फिर मैं वो भी दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या पॉसिबल मॉडिफिकेशन जो हम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो सिंपली ये पास कर दिया, और यहाँ पे भी देखो वो लोगों ने सेम ओपन किया है यहाँ पे एंड क्लोज कहाँ पे किया, एकदम लास्ट में विदाउट एनी इंडेंट, ठीक है, तो इसे आपको फॉलो करना है, और ये 5.3.0 के अंदर रिलीज हुआ है, मतलब लॉन्च किया गया है, ओके। सो इको बार एंड देन आप सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पहले यूज किया था, एंड इसको ऑपरेशन क्लास बार क्लास, वो कोड दिखाई है ना जो आप देख, हाँ वो दिखाता हूँ, अभी मैंने उसे प्रिंट नहीं किया है, सो इसे प्रिंट करने के लिए सिंपली हम लोग जैसा नॉर्मली यूज करते हैं वही यूज करना है। आप चाहो तो इसे फंक्शन बना सकते हो यहाँ पे, समथिंग लाइक शो डेटा, डिस्प्ले डेटा एंड ऑल दैट, अदरवाइज आप डायरेक्टली बाहर आ जाओ, क्लास का नाम यूज करिए, दैट इज सैंपल एंड जस्ट अ सेकंड, कंट्रोल जेड, सैंपल एंड देन हमारे बार का नाम नहीं, सैम का नाम, अगर एंड बड़ी सिंपल इसे हम इको के अंदर प्रिंट करा देते हैं, इको ओके कुछ इस तरह से, एंड जस्ट सेव करिए इसे एंड इसे रन करते हैं, and then you got your expected output something like this, so you can use variable, you can use scope operator or you can create the object, jaise humne pehle output uska nahi aaya upar wale ka, iska hai aur is ye nahi print hua,
ये कौन सा, ये हाँ। अरे ये तो वेरिएबल के अंदर है ना, वही तो हम प्रिंट करा रहे हैं ना, सैम सैम को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। अच्छा क्लास के बाहर इसलिए हमने स्कोप यूज किया सैंपल क्लास, राइट। तो हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया नहीं, डायरेक्टली बाहर प्रिंट कराया हुआ है स्कोप का यूज करके। सो आई होप यू गॉट दैट। सो इस तरह से भी कॉन्स्टेंट को इनिशियलाइज किया जा सकता है, एक तरीका था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, कॉन्स्टेंट कैसे वर्क करता है तो आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक और नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।